ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्त 2016 लाइव। मैं पीके गिडवानी एडवोकेट शाजापुर का हूँ एमपी। उज्जैन में आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं यहाँ चौथी बार आया हूँ, पहले अपने परिवार के साथ भी आया था, आज अपने दोस्त के साथ आया हूँ। और मैंने इलाहाबाद का कुंभ भी अटेंड किया था, लेकिन जो व्यवस्था उज्जैन में है वो किसी भी कुंभ में मुझे नहीं मिली। आपसे हम ओम के बारे में जानना चाहेंगे, ओम के बारे में आप क्या जानते हैं? एक्चुअली ओम जो है मेरा जहाँ तक मानना है, जैसे पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी का नाम लिया जाता है, वैसे ही किसी भी मंत्र को बोलने के पहले ओम से शुरू होता है। तो इसीलिए जो पूजा में गणेश जी का महत्व है वो किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी मंत्र में, वो ओम का महत्व है। हर मंत्र ओम से ही चालू होता है, इसीलिए ओम जो है सर्वव्यापी है, सर्वो है, इसीलिए सबसे ज्यादा महत्व ओम का है। मुझे एक बार कन्याकुमारी जाने का मौका मिला। कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक जो है समुद्र के बीच, वहाँ पे ओम बना हुआ है और पूरा कमरा अंधेरा में है। आप वहाँ जाइए, उस ओम को देखिए, वाकई उस ओम को बोलते हुए जितनी शांति मिलती है उतनी किसी भी चीज को बोलने में नहीं। इसीलिए ओम जो है सबसे पहले 20 तारीख को 11 बजे मैं जहाँ भी रहूंगा अपने इष्ट मित्रों के साथ 11 मिनट का ओम शब्द कहूंगा, ये आपसे प्रॉमिस। थैंक यू सर। मैं दीपक पवार शाजापुर से आया हूँ और 20 तारीख के दिन 11 बजे के 11 मिनट और 11 सेकंड पर ओम का जाप करूँगा। मैं डॉक्टर राजेश पटेल 20 मई को 11:11 पे 11 बार ओम का जाप करना है, मैं सबको बताना चाहता हूँ और मैं भी करूँगा और सबके करने के लिए मैं प्रोत्साहित। ओम। डॉक्टर बीएल डाबी वैकल्पिक चिकित्सा संघ से हूँ, हम यहाँ करीबन एक महीने से सेवा दे रहे हैं और 20 तारीख को ओम का उच्चारण 11 बजे करेंगे, 11:11 पे करेंगे। मेरा नाम सुनीता शर्मा, मैं नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट तहसील गाडरवाला से आई हुई हूँ। ओम जो है, ओम एक ऐसा शब्द है जो नाभि से स्टार्ट होता है और अपने दिमाग तक उसकी जो गूंज रहती है वो शांति प्रदान करती है, और ओम का उच्चारण करने से अपने अंदर जो विकार है वो पूरे धुल जाते हैं। तो ओम एक शांति का स्वरूप है, उसमें ईश्वर समाया हुआ है ओम। मैं 20 मई को 11:11 पे ओम का उच्चारण करूंगी, मेरे परिवार और जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं उन सबके साथ ये मैसेज मैं सबको दूंगी। जय श्री कृष्णा सभी को। मेरा नाम नेहा सारडा है, मैं दिल्ली की हूँ और मैं ओम का जो ओम वर्ड है वो फर्स्ट टाइम धरती, सबसे पहला जो वर्ड आया था धरती में वो ओम शब्द था। और अगर आप हर दिन ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको हमेशा शांति मिलेगा और आपकी आपको इनर पार्ट भी बहुत इनर पीसफुल लगेगा और हमेशा आपको मोटिवेशन लगेगा कुछ भी काम करने के लिए। तो मैं हमेशा आप सबको को यही बोलूँगी कि हमेशा हर दिन आप अपने लिए, आप अपने अगर आपको पीसफुल रहना है तो कुछ टाइम आप अपने लिए निकालिए और ओम का उच्चारण हर दिन करिए। मुझे पता है आप सब बहुत बिजी रहते हैं आज का स्केड्यूल में, पर 5 मिनट किसी के लिए भी निकालना तो कोई भी निकाल सकता है। तो 5 मिनट्स निकाल के हर दिन ओम का उच्चारण करिए। 20 मई को मैं 11:11 सब है। मैं बॉम्बे महाराष्ट्र से आई हूँ। हम यहाँ पे 20 मई को महानाद योग कर रहे हैं, जिसमें 11 बजे 11 मिनट पर और 11 सेकंड पर जो जहाँ भी खड़ा है उनको वहाँ पे ओम का उच्चारण करना है।
मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं बीकानेर से आया हूँ परिवार सहित। और ओम का जो आपने जो इसका रखा है पर्व 20 मई को 11:11 पे, मैं जहाँ भी रहूँगा मैं इसका ओम का उच्चारण करूँगा। सब मिलकर के बोलो ओम। मेरा नाम हर्षिता सेठी है, मैं इंदौर से आई हूँ। 20 मई को ओम का नाद करूँगी। मैं खंडवा से आया हूँ, मैं भी 20 मई को 11:11 पे ओम का उच्चारण करूँगा। मेरा नाम सौरभ मिश्रा है, मैं सतना जिले से रिवारी गांव से आया हुआ हूँ। 20 मई को 11:11 से ओम का उच्चारण करूँगा। ओम मैं पंकज गुर्जर भोपाल से आया हूँ, कल यहाँ 11:11 पर ओम का उच्चारण करना है। ओ मेरा नाम अर्पित है और मैं नीमच डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, और कल यहाँ ओम का जाप होगा तो मैं भी ओम का जाप करूँगा। ओ से आया हूँ, मैं कल ओम का जाप करूँगा। ओम मेरा नाम राजेंद्र कुमार पालीवाल, राजस्थान चित्तौड़गढ़ से आया हूँ मैं, और मैं यहाँ कल ओमकार का जाप करूँगा। ओम